नोएडा में एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये गिरोह मिलावटी शराब बनाकर बोतल पर फर्जी बारकोड चिपकाकर शराब के ठेकों पर सप्लाई करता था। पुलिस ने इनके पास से एम्बुलेंस सहित 5 वाहन और 300 पेटी अवैध शराब और मिलावटी शराब बनाने का सामान बरामद किया है। एसपी रणविजय सिंह ने बताया कि बादलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर एम्बुलेंस और दूध के वाहन में शराब भरकर ले जा रहे हैं। पुलिस ने वाहनों की जांच पड़ताल के बाद एम्बुलेंस और दूध की गाड़ी को रोक लिया। पुलिस ने वाहनों को रोक कर तलाशी ली, जिसमें अरुणाचल प्रदेश मार्ग का शराब की 300 पेटी बरामद हुई। मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। फर्जी फैक्ट्री का खुलासा हुआ शराब वाली, क्या पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार हैं? देखिए, सीओ ग्रेटर नोएडा थर्ड और इस बादलपुर की टीम को एक सफलता मिली है। अवैध शराब और जहरीली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री थी, इसको हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो ये है कि इन शराब को ढोने के लिए एम्बुलेंस और मिल्क वैन का यूज़ किया जा रहा था। आपको सबको पता है कि ये दोनों गाड़ियाँ जनरली चेक नहीं होती हैं, लेकिन एम्बुलेंस और मिल्क वैन को हम लोगों ने पकड़ा है। इसके साथ साथ 4 पहिया वाहन भी पकड़े गए हैं, 1 दोपहिया वाहन भी है। इन वाहनों का प्रयोग इसके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे थे। 6 लोग पकड़े गए हैं और बाकी जितने सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिससे पता चलता है, या बोटल्स पे लगाने वाले जितने सारे आइटम्स हैं, वो सारे आइटम्स बरामद हुए हैं। और जो लिक्विड उस पुराने शराब में ऐड करके नया लिक्विड तैयार करते थे, उसके लिक्विड के कुछ सैंपल्स हम लोगों ने वहाँ से बरामद किए हैं और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।